माँ गंगा की रक्षा के लिए अनशन कर अपने प्राण न्योछावर करने वाले संत निगमानंद की 9वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हरिद्वार के मातृसदन आश्रम में संत निगमानंद के समाधि स्थल पर उनके गुरु स्वामी शिवानंद समेत कई गंगा प्रेमियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान स्वामी शिवानंद ने कहा कि निगमानंद द्वारा देखा गया गंगा स्वच्छता का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय संत को कहीं न्याय नहीं मिला, लेकिन प्रकृति ने न्याय जरूर किया है और उनके तप की अवहेलना का परिणाम ही है कि पूरा देश कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। उनके सपने तो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उनके सिद्धांत व्याप्त हो गए और उनके सिद्धांत ऐसे व्याप्त हो गए हैं कि मैं आपके द्वारा आपको जी साहस हो तो दिखाइएगा, मैं कह रहा हूँ कि यदि तप की अवहेलना ये लोग करेंगे, ये लोग न्याय का गला घोटेंगे तो प्राकृतिक न्याय का सामना करना पड़ेगा। इस कुंभ क्षेत्र को बचाने के लिए निगमानंद की प्राणों की आहूत हुई 1625 बीघा सदन ने वन माफिया से उठा करके सरकार को दिया, जिस पर कुंभ हो रहा है उसमें बंदर बांट के लिए तो बहुत पैसा लगा हुआ है और साधु संत कहाँ गए? साधु संत सबके सब जल्दी से काम हो तो कुंभ भी अब नष्ट हो रहा है। वहीं स्वामी शिवानंद ने कुंभ मेले को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि मातृ सदन ने लड़ाई लड़कर कुंभ मेले के लिए वन माफियाओं से 1675 बीघा भूमि छुड़वाकर सरकार को दी, लेकिन कुंभ मेले के नाम पर भी पैसों की बंदर बांट होने लगी, इसलिए प्रकृति के आगे कुंभ मेला भी संपन्न हो पाना संभव नहीं होगा। न्यूज स्टूडियो के लिए हरिद्वार से सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।